लेकिन सर। लास्ट लाइन, बस लास्ट लाइन रह गई है। ओके ओके ओके। सर हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ हटा दो तो। सर एक सेकंड ओके। चलो उसके बाद मैंने नीचे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, ये भी लिख लो। एप्लीकेशन अब, ऑफ थैंक यू सर। रेडिएशन। सर ये जो संडे को टेस्ट है तो वो इसमें तो पूरा चैप्टर ही आएगा ना? यस बेटा पूरा चैप्टर आएगा। ओके सर। ओके। रेडिएशन की एप्लीकेशन हमने डिस्कस की, जैसे जो भी व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई समर्स के अंदर हम लोग क्या करना चाहिए, लाइट कलर या फिर व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ग्रीन सर है ना, मैंने एरिया में वो या फिर कोल्ड एरिया कार में। यस में भी यही होता है, सेम ब्लैक होती है yes, तो कार के बहुत। अंदर भी ब्लैक कार होती है तो बहुत गर्म हो जाती है, व्हाइट कार होती है तो ठंडी रहती है, इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती। इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम लाइट मतलब मैक्सिमम जो कार्स होती है वो व्हाइट कलर की प्रिफर करते हैं सब लोग लेने के लिए, तो उसका मेन रीजन यही होता है। सर हमने बट भी अगर वो व्हाइट में ही लिया। वेरी गुड वेरी गुड। बट अगर मान लो तुम कहीं कनाडा में रह रहे हो या फिर यूएसए में रह रहे हो तो वहां पे तुमको बहुत ही कम कार देखने को मिलेगी व्हाइट कलर की, तो उसका यस रीजन सर, क्या है, यस सर। वहां पे क्यों व्हाइट कलर की कार नहीं यूज होती क्या ज्यादा? ग्रेवी कलर क्योंकि की वहाँ होती है? कोल्ड ठंडी ज्यादा होती होती है वहां और पे कोल्ड ज्यादा होती है, गर्मी होती है। राइट? कोल्ड ज्यादा होती है तो डार्क कलर होगा, तो सन रेज जब भी उस पे गिरेगी तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पे ऑलरेडी बाहर हीट होती है, सॉरी बाहर बहुत ही ठंडी होती है। अगर डार्क कलर की कार होगी तो वो थोड़ी बहुत जो हीट मिलेगी उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, तो कार में बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया जैसे देश में व्हाइट कलर की कार ज्यादा पसंद करते हैं लोग लेना, और यूएसए कनाडा यूरोप में डार्क कलर की या फिर ग्रे कलर की कार ज्यादा यूज करते हैं। सर इन ओके। हाँ पसंद तो ब्लैक वाली है, हमको पसंद ब्लैक वाली आई थी, पर सर गर्मी की वजह से। हाँ वो ऐसा ही होता है बेटा। ओके। इसी की वजह से हम लोग व्हाइट कार ज्यादा लेते हैं। सिमिलरली बेटा जो फैक्ट्री होती है या फिर हमारे घर के रूफ होते हैं वो सबको व्हाइट कलर या फिर शाइनी कलर से पेंट करते हैं, जिससे क्या होता है जो विंटर की हीट है वो कम रहे। ओके। सर तो साथ ही ग्रे कलर किसमें, मतलब ग्रे कलर भी ग्रे है कलर कार मतलब में? हाँ पर सर डार्क ऐसा कोई ग्रे कलर कलर को है डार्क जो कह सकते हैं। ठंडी भी दे और गर्मी भी दे, ऐसा कोई कलर होता नहीं है? बेटा अरे ऐसा कलर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके। वो मॉडरेट कलर्स सर होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया। ओके। वो मॉडरेट कलर्स होते हैं, वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करते और ज्यादा रिफ्लेक्ट भी नहीं करते। आ गया समझ में सबको? चलो एप्लीकेशन लिख लो जल्दी से, एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो, लिखा। एप्लीकेशन अभी लिख लो जल्दी से। हाँ सर यस बोलो बेटा। ऐसे क्यों नहीं होता? स्नो तो ठंडा होता क्या है बोल ना। रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा? व्हाइट कलर रहता है इसलिए ठंडा रहता है, तो फिर मोक्ष आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तुम ऐसा तो चैट बॉक्स में लिख लो, चैट बॉक्स में लिख लो, आवाज तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा। वीडियो सब लोग ऑन रखना बेटा। डन डन सबने लिख सर, लिया। वेट नो सर, ओके ओके वेट। ओके ओके। निखिल राजवीर दैविक लिख रहे हो सब लोग, विहान योग मोक्ष लिख रहे हो तुम सर लोग, कंप्लीटेड, नाइस। यस कंप्लीटेड सर, वेट सर, ओके लास्ट पॉइंट सर। यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है इसलिए मैं वीडियो चालू नहीं कर पा रहा। भावेश तुमने लिख लिया है? ओके डन।
ओके सर वेट सर मैं थर्ड लाइन पे हूँ ओके जल्दी लिखो मैं भी वो गोल्डन ये है ओके लिख लो लिख लो भावेश तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो सर लिखा है पूरा लिख लिया तुमने ये नौ सर थोड़ा सा ही बाकी है तो तुम तो कुछ माउस पे खेल रहे थे कीबोर्ड पे खेल रहे थे अब से नहीं सर हाँ मैंने देखा अभी कौन सी गेम खेल रहे हो सर कैंडी क्रश क्या कैंडी क्रश खेल रहे हो है पेरेंट्स साथ में नहीं कहाँ है सर बाहर है डेली बाहर होता है आज ही बाहर है नहीं सर आज ही अच्छा तुम डेली कैंडी क्रश खेलते हो या आज ही खेलना चाह रहे हो सर डेली 154 लेवल पे हूँ क्या 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 154 लेवल पे डेली खेलता हूँ चालू क्लास में डेली खेलते हो नो सर चालू क्लास में नहीं तो आज क्या मन हुआ चालू क्लास में खेलने का सर ऐसे ही अभी मैं पेरेंट से बात करता हूँ अभी बात करता हूँ पेरेंट बताओ ना पेरेंट्स को सर एक दिन मतलब लास्ट वाली क्लासेस में ही है ना वॉइस चेंजिंग ऐप से ना वो बच्चों वाली आवाज से बात कर रहा था सर बिल्ली की आवाज से बात कर रहा था कौन भावेश यस सर हाँ भावेश ऐसा कर रहा था तुम सर ने इतना बोला तो भी उसने चेंज नहीं किया सर ने ऐसा बोला कि मम्मी पापा को फोन कर दो अरे सर किया था क्या नो प्रॉब्लम हाँ सर नो प्रॉब्लम करो अरे सर मैंने सब नहीं किया सर मेरा वॉइस ही ऐसा था वीडियो ऑन रखो भावेश वीडियो ऑन रखो की करके आवाज कर रहा था करो वापस करो अभी सर वो लैपटॉप से करता हूं मैं मोबाइल पे हूं लैपटॉप से कैसे करते हो सर वॉइस चेंजर ओहो सर रियल में मतलब कर रहा था एक काम करो भावेश कल आप अलकापुर सेंटर पे आ सकते हो पेरेंट्स को लेके ओके सेंटर में बुलाता हूं मैं तुम्हें नहीं 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 अब बहुत हो गया चालू क्लास में कैंडी क्रश खेलते हो पूरा पीरियड उसने आवाज की थी कल बहुत पूरा पीरियड इनके लेक्चर में सर वीटी सर केमिस्ट्री यस सर वीटी सर केमिस्ट्री सर के अरे सर अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं भावेश मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तुम्हारे ओके चलो कोई बात नहीं लिख लो जिसको लिखना है वो लिख लो तब तक मैं साइड पे स्टार्ट करता हूँ ओके नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज थर्मोस फ्लास्क ओके थर्मोस फ्लास्क तो सब लोगों ने सुना होगा ये ओके सब लोगों ने यूज भी किया होगा बहुत सारी वाटर बॉटल्स ऐसी आती है जो स्टील की दिखती है बाहर से स्टील की होती है और अंदर देखोगे तो तुम ग्लास का दिखता है ऐसी बोतल तुमने देखा उसके अंदर सबसे हाँ घर पे होगा सबके पास और उनके अंदर सबसे बेस्ट चीज ये थी कि अगर उस पर तुम गर्म चीजें रखोगे तो हमेशा गर्म रहेगी ठंडी चीज होगी तो 2-3 घंटे के लिए ठंडी भी रहेगी एकदम कूल रहेगी yes, मतलब sir. क्या होता है इसका मतलब क्या हुआ जो चीज गर्म रख रहे हो वो गर्म रह रही है ठंडी रख रहे हो तो वो ठंडी रह रही है इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर जो भी चीज रखोगे उसकी हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे चाहे गर्म चीज रखो चाहे ठंडी चीज रखो यहाँ की हीट इसी के अंदर रहेगी कहीं बाहर नहीं जाएगी समझ में आ रहा है
ये मैंने हॉट चीज रखी है, तो ये हॉट चीज की जो हीट है वो उसी में रहेगी, बाहर जाने पे कैंसिल किया हुआ है, बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा हमने क्या बनाया जिससे वो हीट बाहर नहीं जा सके? तो बेटा एक बात बताओ, हीट बाहर जाने के तरीके कितने हैं? हीट बाहर जाने के तरीके कितने हैं सर? वो मतलब कैप को ओपन करेंगे, कितने तरीके से बाहर जा सकते हैं हीट? कैप ओपन करेंगे तो और कुछ, और कुछ कौन कौन से? नहीं, कैप ओपन अभी नहीं करो, कैप बंद रखते। सर एक बार फिर से आप बताओगे, मैंने सुना नहीं सर। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास बोतल है और उसकी बेस्ट चीज ये है कि अगर उसके अंदर गर्म चीज रखोगे तो वो गर्म रहेगी हमेशा, और अगर उसके अंदर कोई ठंडी चीज रखोगे तो बहुत टाइम तक के लिए वो ठंडी भी रहेगी। जबकि प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा है तो वो क्या हो जाएगा, गर्म पानी रखा है तो थोड़ी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पानी रखा है एटमॉस्फेयर वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती रहती है। ओके, बट इस बोतल में से हीट बाहर नहीं जा सकती। ओके, तो वो क्यों बनाई, ऐसी बोतल कैसे बनाई, उसके पीछे हम लॉजिक सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहले हीट बाहर जाने के तरीके कौन कौन से है, कौन कौन से तरीके हमने हीट बाहर जाने के? पहली चीज हमने क्या पढ़ा, पहला चीज क्या पढ़ा, कंडक्शन। इट इज अ प्रोसेस, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट बाय वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, राइट? ये पढ़ा था हमने। दूसरे किस वे में, दूसरे किस वे में हीट बाहर जा सकती है? तो दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से भी हीट बाहर जा सकती है। बेटा हीट को बाहर जाने के तरीके कौन से है, हीट ट्रांसफर के तरीके कौन से है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वर्जेशन और रेडिएशन। यस सर। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन तरीके हैं जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ओके, हमें क्या करने देना है, हमें हीट को बाहर नहीं जाने देना, या फिर बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देना, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देना। तो बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें चाहिए, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब क्या ऐसा क्रिएट करे, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट? सर मैं गो टू वॉशरूम? नहीं बेटा, जल्दी से जाके आ जाओ और फिर वीडियो देख लेना अगर हो तो, ऐसा हो। ओके, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन है मेथड जिससे हीट बाहर जा सकती है। अगर कंडक्शन तुम्हें याद होगा तो कंडक्शन में क्या होता था, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से वाइब्रेट करके टकराता था जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता था कंडक्शन में, हाँ या ना? यस सर। कंडक्शन में ऐसा होता था। कन्वेक्शन में क्या होता था, कन्वेक्शन में हीट एक आदमी को मिल जाती है, हीट एक मॉलिक्यूल को मिल जाती है, फिर वो दूसरी जगह चला जाता था, ऐसा होता था किसमें? कन्वेक्शन। yes, और जो रेडिएशन हमने लास्ट में पढ़ा उसके अंदर तो क्या होता था, हीट आती थी वेव के फॉर्म में, और चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टिकल है या पार्टिकल नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडिएशन हर जगह पे होता है, राइट? तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे, मेन इंपॉर्टेंट जरूरी चीज थी, वो क्या थी? पार्टिकल्स, राइट? या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी एक मीडियम की जरूरत है, मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस होना जरूरी है, तब कंडक्शन या कन्वेक्शन हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो थर्मस फ्लास्क है हमारा, उसके अंदर बीच में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वहां पे सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी नहीं है और गैस भी नहीं है। अगर कुछ भी चीज नहीं है, वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होगा, पार्टिकल का, पार्टिकल है ही नहीं, अगर पार्टिकल नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो सकता और कन्वेक्शन नहीं हो सकता, समझ में आया? यस सर। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को रोकने के लिए, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट किया, समझ में आ गया? फाइनली बचा रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, उसके अंदर चाहे वैक्यूम हो या चाहे कुछ भी ना हो,
हमेशा रेडिएशन तो वेव्स के थ्रू ट्रैवल करेगा ही करेगा, तो रेडिएशन को रोकने के लिए क्या करना होता है? तो रेडिएशन को रोकने के लिए बहुत एक सिंपल मेथड है, जैसे कि मान लो ये रेडिएशन आ रहा है वेव के फॉर्म में, लाइट वेव के फॉर्म में हीट आ रही है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया, मिरर या फिर ग्लास रख दिया, तो मिरर या ग्लास क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब इसको वापस वापस भेज देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, आया समझ में? Yes, तो ग्लास ग्लास का यूज करने से क्या होता है, ग्लास का यूज करने से जो वेव्स बाहर निकल रही थी उसको मैं वापस अंदर डाल सकता हूँ. ओके, दैट्स व्हाई ये जो हमारा थर्मस फ्लास्क है उसका जो सरफेस होता है, यहाँ पे हम लोग एक ग्लास का सरफेस बनाते हैं. किसका सरफेस बनाते हैं बेटा? ग्लास का सरफेस. तो तुम लोगों ने खोल के देखोगे, ढक्कन खोल के देखोगे तो अंदर देखेगा तो ग्लास निकलेगा. तो ग्लास क्यों होता है, ग्लास क्या करता है? कभी-कभी प्लास्टिक भी होता है. प्लास्टिक भी होता है. ओके, तो ग्लास है वो क्या करता है, इसको रोकता है, रेडिएशन को रोकता है. समझ में आ गया? यस सर. कोई डाउट ग्लास का यूज समझ में आ गया? सर. हमने थर्मस फ्लास्क बनाया जिसके अंदर हमने यूज किया वैक्यूम, जिससे क्या होगा, वैक्यूम से क्या हुआ, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रुक गया. yes. और उसके बाद ग्लास का यूज करके हमने क्या किया, रेडिएशन को रोक दिया. आ गया समझ में? यस सर. ओके, यस सर. तो ये चीज एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं. देखो ये जो दिख रहा है वो एक बेसिक थर्मस फ्लास्क है. ओके, सबसे बाहर है आउटर केस. आउटर केस बेटा सिल्वर का होता है, तुम सबको पता है, जनरली तुमने थर्मस फ्लास्क देखा होगा, तो सबसे बाहर की सरफेस जो हमें दिखती है वो सिल्वर की होती है या फिर मेटल की होती है, जो बहुत शाइनी मेटल होता है. तो शाइनी मेटल क्यों रखते हैं, ताकि अगर बाहर से रेडिएशन के फॉर्म में हीट आएगी तो क्या होगी, टकरा के वापस चली जाएगी, इसलिए शाइनी सरफेस रखते हैं. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? चलो, आउटर केस के बाहर, आउटर केस के बाहर में ये जो दिख रहा है तुमको, ये लिखा है डबल वॉल्ड ग्लास वेसल. डबल वॉल्ड ग्लास वेसल का मतलब ग्लास के बाउंड्रीज जो है वो ग्लास की बनी हुई है और बीच के अंदर हमने एक इंसुलेटर डाल दिया. मतलब अगर गलती से कोई हीट बाहर जा रही है तो इंसुलेटर क्या करेगा, उसको रोक देगा. आ गया समझ में? उसको भी रोक देगा. Yes, sir. अगर हीट बाहर जा रही है तो इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, तो इंसुलेटर क्या करेगा, हीट को आगे जाने से रोकेगा. आगे समझ में? डबल ग्लास बोतल लग रही है, बोतल है ये, पूरी बोतल है बेटा. तुम जो नॉर्मल भी बोतल यूज करते हो ना उसकी बात चल रही है, जो सिल्वर कलर की बोतल देखते हो तुम. यस सर. राइट, उसके बाहर, उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो पूरा जो लाइन दिख रहा है तुमको, ये जो पूरा है वो क्या है, वैक्यूम है. ये क्या है, वैक्यूम. वैक्यूम के, वैक्यूम से क्या होगा, वैक्यूम की वजह से कंडक्शन भी रुक जाएगा और कन्वेक्शन भी रुक जाएगा. और वैक्यूम के बाहर भी क्या है, वैक्यूम के एंड में देखो क्या लिखा है, सिल्वर वॉल. ये जो है वो सिल्वर वॉल है या फिर ग्लास की वॉल होती है, वो क्या करता है, रेडिएशन को रोकता है. आया समझ में? यस सर. यस सर. गुड आउट. नो सर. ओके, चलो तो सबसे पहले मैं टिक करवा रहा हूँ इसमें, वो लिख लो. ओके, मोस्टली ये पूरा ही मतलब लिख सकते हो तुम. थर्मस फ्लास्क मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इन इट, इट कीप्स हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड. ओके, फॉर लॉन्गर टाइम. दिस इज अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सब्सटेंस केप्ट इन द फ्लास्क एंड द सराउंडिंग. आया समझ में? ये पूरा लिख के इतना तुम्हारा चैप्टर नोट्स बनेगा. तो चैप्टर नोट्स वापस गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर लिए. राइट, तुम ये देख रहे हो, ये तुम्हारा होमवर्क है क्लास 7 का. सर, सर जो सबमिट करनी है सब नोट्स, तो उसका आप भेजोगे ना? वो ये वही कर रहा हूँ बेटा, देखो. अच्छा, ओके, सर सब कुछ भेजना है इसमें.
सर पूरे लेसन में जो नोट्स थे वो सारे भेजने हैं? सारे भेजने हैं। ओके सर। ओके, और ये लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम संडे से पहले 25 को भेज देना है। ओके ओके सर। तो मैंने एक असाइनमेंट ये क्रिएट किया और होमवर्क ड्यूडेट मंडे तक, संडे तक बेटा। ओके सर। ओके, और सेकंड होमवर्क, यस यस, संडे तक। सेकंड होमवर्क बेटा क्या करना है, देखो ये होमवर्क असाइनमेंट दिख रहा है, होमवर्क असाइनमेंट दिख रहा है। ओके, ये होमवर्क असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करना है सर। ये खुद करना है कि लर्न करना है कि देख के करना है? देख के लिखना है तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके सर, लर्न करके क्या करना है बेटा? लर्न करके लिखना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही सर, वही उसमें मजा आता है लर्न करने में। तो क्लासरूम असाइनमेंट जो लिखा हुआ है और होमवर्क असाइनमेंट, इतने क्वेश्चंस तुम्हें कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट क्लास तक। ओके, और सर ये जो हमने होमवर्क असाइनमेंट जो दिया है वो कब तक जमा करना है, सेंड करना है? मैं बताता हूं स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट। सबसे पहले होमवर्क असाइनमेंट, ओके, और दूसरा क्या? क्लासरूम असाइनमेंट। ओके, पेज नंबर भी मैं लिख लेता हूँ। होमवर्क असाइनमेंट है पेज नंबर 14 पे और क्लासरूम असाइनमेंट है पेज नंबर 16 पे। हाँ सर, वो क्लासरूम असाइनमेंट वो सब करना है, शॉर्ट आंसर पूरा करना है। ओके सर, पूरा करना है बेटा। ओके, और इसकी ड्यू डेट मैं नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे तक रखता हूँ। ओके, अगस्त 21st तक। ओके सर, अब तक हो जाना चाहिए। डेली तुम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी लिखोगे तो भी हो जाएंगे। ओके, डेली थोड़े थोड़े भी लिखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर। चलो मैं तुम्हारे ग्रुप पे भी डाल देता हूँ ये चीज। ओके सर। असाइन हो गया। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। तो ये दो चीज कंप्लीट करके अपलोड कर दे रही है। ओके, चलो बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू 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 सर। बाय 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 बाय।